ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦੇ ਪਏ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਬੱਚੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛਾਲਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜੀਏ ਅੱਛਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਹਾਂ ਛਾਲਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਏ ਮਾਤਾ ਜੀ पैरोल पर आज बाहर आने के बाद जो डेरा प्रमुखी की सात संगत है यानी कि डेरे के जो भगत जन है अलग अलग तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वही तस्वीरें हैं इस वक्त आपको मंडी डबवाली की दिखा रही हूं। आपको बता दूं कि जो डेरा प्रेमी है अपने गुरु के आज बाहर आने को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, विभिन्न विभिन्न तरीके अपना रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़े की थाप है तो कहीं गिद्दा बोली की जा रही है। वही महिलाएं हैं भारी तादाद में। आपको बता दूं कि जागो निकाल रही है अपने गुरु के बाहर आने की खुशी में। महिलाओं के अंदर आज एक जोश है कि उनके गुरु आज बाहर आ गए हैं। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक महीने की पैरोल पर आए हैं और यूपी के डेरे में उनको रखा गया है और खुशी की आज लहर है जो उनके साथ संगत है उनके बीच में देखने को मिल रही है और इतनी खुशी है। आपको बता दें कि किस तरह से महिलाएं लड़कियां बकायदा बच्चे भी इस खुशी में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक तरह से गुरु के बाहर आने के बाद ये रौनक है। छोटे छोटे बच्चे हैं हाथों में जो गुब्बारे लिए हुए और ये जागो देखिए किस तरह से है। ये जो इन्होंने टोकनी है या जागो है पूरा रूप से तैयार की हुई है और लेकर चल रहे हैं छाज के साथ है। पहले अपने गुरु को स्पीकर पर जो भजन लगाकर है नाच गाना इन्होंने किया और फिर उसके बाद में है जो सिमरन भी इन लोगों ने किया। आपको इसमें खास चीज बता दूं कि डेरे की जो महिलाएं हैं यानी कि जो भगत है इनके गुरु के तस्वीर के सामने भी नाचने लगी। ना किसी म्यूजिक का उन्हें सिस्टम की जरूरत थी ना कुछ और सिर्फ अपने गुरु को देख के हुए भावुक भी हुई तथा गुरु के तस्वीर के सामने नाची। कुछ मेरे साथ महिलाएं हैं बात करेंगे। गुरु बाहर आए हैं कितनी खुशी है जी आज आपके गुरु जी बाहर आए हैं कितनी खुशी जहन में है। आज हमारे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा बाहर आए हैं उन्हीं के आगमन की खुशी में हमारे सत्संगी जो हैं आप देख सकते हैं ये नज़ारा सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशियां मना रहे हैं मिठाइयां बांट रहे हैं और घी के दिए भी जलाए जाएंगे। किस तरह से आज सोचा था कि गुरुजी इस तरह एक महीने की पैरोल पर बाहर आएंगे? देखो हमें अपने गुरुजी पर स्टार्टिंग से ही पूरा विश्वास है और हमें ये भी उम्मीद है कि बादल कुछ समय के लिए छिप सकते हैं लेकिन वो बाहर जरूर आएंगे और ये आज हमारी उम्मीद है वो कुछ सच होती नजर सबको दिखाई दे रही है। समझ नहीं आई ना? बहुत खुशी हमारे गुरुजी बाहर आए हैं आज हमारे पैर धरती पे नहीं लग रहे। तो देखिए गुरु के बाहर आने पर घी के दिए जलाए हैं और गिद्दा बोलिया इनकी तरफ से जारी है और इन्होंने बताया कि गुरु के बाहर आने के लेकर उनके आगमन की खुशी में है जो कि आज यहाँ पर एक नज़ारा अद्भुत तरीके का देखने को मिला। महिलाएं काफी संख्या में इकट्ठी हुई तथा अपने गुरु को आज याद करते हुए किस तरह से जश्न मना रही है। छोटा बच्चा है बात करेंगे। बच्चे गुरु जी बाहर आए कितनी खुशी हो रही है? आज गुरु जी बाहर आए कितनी खुशी हो रही है? हाँ जी हाँ जी बहुत खुशी हो रही है। किस तरह से मना रहे हो? किस तरह से ये नाच गा के खुशी मना रहे हैं? दिए वगैरह भी जलाएंगे? हाँ शाम को जलाएंगे। हाँ जी देखिए गुरु के बाहर आने के लेकर है दिए जलाएंगे घी के दिए आज जो डेरा प्रमुख है बाहर आए हैं उनकी खुशी में है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं यानी कि जो डेरे की संगत है वो फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत करते हुए किस तरह से अपनी खुशी जाहिर कर रही है भजन लगाए हुए हैं और इन भजनों पर महिलाएं झूम उठ रही है। आंटी जी आज गुरुजी बाहर आ गए हैं लड्डू तैयार कर रहे हैं कितनी खुशी जहन में? ज्यादा मैं तो कंपन आ रही हूँ खुशी नाल। हाँ जी बहुत ज्यादा है अज तो धरती तो नहीं समाते पे। हाँ जी इन्नी खुशी है सानू बहुत ज्यादा।
हाँ जी। तो गुरु जी ने कहा है कि अपने घर पे रहो और सिमरन करो, क्या उनसे मिलने की भी जिज्ञासा? उन्होंने बचन मना गए जी, मैं उन्होंने सानू बचन कहा जी, असं उन्होंने बचना की लांघना नहीं करनी, जे सू हुक्म आ गया असं जरूर पहुँचाएंगे। देखिए गुरु जी लगभग साल दो साल में बाहर आते रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि परमानेंट भी बाहर इस तरह? परमानेंट बाहर आन जी, हाँ उम्मीद रखते हैं उससे परमानेंट बाहर आन। हाँ जी हाँ जी। हाँ असं जाने जा इत रहन साढ़े को, असं तो अज धरती से छाला मारी जाने, पैर नहीं लगते अज साढ़े गुरु जी आ गए तो साढ़े बहुत मंगा पूरियां कीतियां, घर बैठे होंगे ही साढ़िया मंगा पूरियां हो जाएँ जो असं गुरु नूं याद कर दिया, वो साढ़े हमेशा हमेशा नाल है ते बहुत अज चा चढ़िया जी करता छाला ही मारन लग जाइए। हाँ छाला जी करता ना उच्चिया उच्चिया छाला मारिए। माता जी अपने गुरु जी ने कहा कि घर रह के सुमरन किया जाएगा, उनके जल्दी बाहर मतलब लंबे टाइम तक आने। हाँ असि घर घर जाके आने सिमरन करो सिमरन करो, पिताजी छेती आवे जिवे जिवे पिताजी आखन गए असि उवे मना गे जी। देखिए माता जी ने बताया कि आज इतनी खुशी है जहन में कि समा नहीं रहे, ऐसा मन कर रहा है कि छलांगे लगाए। और गुरु के जो जिस तरह से डेरा प्रमुख राम रहीम ने अपने पेज पर आकर लाइव आकर उन्होंने संदेश दिया था कि अपने घर में रहे और जो है अपने घर में रहकर गुरु का सिमरन करें और बाहर ना आए, और बाहर आने की या फिर संगत भीड़ एकत्रित ना करें, अपने घर में रहकर खुशी जाहिर करें और गुरु का सिमरन ज़रूर करें। तो इस तरह से महिलाओं ने बताया कि अपने गुरु का परमानेंट बाहर आने को लेकर इंतजार है कि आखिर वो दिन कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी जब राम रहीम है परमानेंट बाहर आएंगे। लेकिन साल दो साल में इस तरह से कभी 21 दिन की कभी 20 दिन की और 10 बार चिट्ठी आना और अब जो कि एक महीने की पैरोल पर बाहर आना, यानी कि अभी डेरा सच्चा सौदा की जो सात संगत है उन्हें उम्मीद है कि राम रहीम शीघ्र ही जल्दी परमानेंट बाहर आ सकते हैं। देखिए जिस तरह से आज डेरा प्रमुख राम रहीम है जो कि बाहर आए हैं और उनको लेकर एक अद्भुत नज़ारा है विभिन्न विभिन्न स्थानों पर देखने को मिल रहा है, वहीं महिलाओं जिस तरह से आज नाच गाकर अपने गुरु के आने की खुशी जाहिर कर रही है, उसी तरह डेरे की साथ संगत है प्रसाद भी तैयार कर रही है। तस्वीरें दिखा दूं आपको, मीठे का प्रसाद है, लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और इसे बात करेंगे गुरु के बाहर आने पर कितनी खुशी इनके जहन में है, आखिर प्रसाद भी तैयार करें जी। देखिए आपके गुरु जी बाहर आए हैं, कितनी खुशी है? हाँ जी बहुत ज़्यादा खुशी है जी हमें। जी देखिए आपके गुरु जी बाहर आए, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है जी हमें, आज सबसे ज़्यादा खुशी हुई है जिंदगी में, जो सबसे पहली खुशी यही है हमारी। तो किस तरह से आज खुशी मना रहे हैं? हम नाच झूम के प्रसाद बांट कर सब संगत सारी संगत मिल के बहुत खुशी मना रहे हैं। तो क्या कुछ दिए वगैरह भी जलाए जाएंगे? हाँ जी शाम को सब घरों में दिए जलाए जाएंगे और नाम चचा घर में भी खुशी मनाई जाएगी भाइयों की तरफ से। हाँ जी माता जी गुरु जी बाहर आए हैं, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा किस तरह से मना रहे हैं फिर? दीवे जगाकर मना रहे हैं। ये देखिए माता जी से बात की, गुरु जी आज बाहर आए हैं और बेहद खुशी है गुरु बाहर आने को लेकर, और कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी खुशी अचानक मिलेगी। एक तरह से आज जो डेरा सच्चा सौदा की सात संगत है उन्हें एक सरप्राइज मिला है, क्योंकि बिल्कुल भी ये खबर नहीं थी कि राम रहीम इस तरह से अचानक बाहर आएंगे। आज सुबह जिस तरह से उन्हें 6:30 बजे जेल से बिना कुछ कहे सुने सुरक्षा के साथ जेल से बाहर निकाला गया, और उसके बाद में है 8 बजे तक ये अफवाह, एक तरह से लोगों ने माना कि अफवाह फैलाई गई है, लेकिन जब पूरा सच सामने आया तो लोगों डेरे की जो साथ संगत है वो भावुक भी हुई कि अचानक इस तरह से सरप्राइज, क्योंकि वो एक खुशी के आंसू थे लगातार। हमने आपको जिस तरह से आज दिखाया कवरेज में, अभी और भी मेरे साथ माता जी है उनसे बात करेंगे। आंटी जी देखिए आज गुरु जी बाहर आए हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी। तो सोचा था इस तरह से गुरु जी बाहर आएंगे? कभी नहीं सोचा था, बहुत खुशी हुई है, बहुत याद है। बहुत कितने दिन किस तरह से याद कर रहे थे गुरु को? बहुत टाइम से याद कर रहे थे गुरु जी को, कई बार रो भी पड़ते थे कि गुरु जी जल्दी आ जाए, पर आगे बहुत खुशी है, बहुत 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 खुशी है हमारे को। तो एक महीने की खुशी गुरु जी बाहर आए हैं, तो ये एक महीना इसी तरह स्पेशल चलता रहेगा? हाँ जी ऐसा ही चलता रहेगा जी।
ये देखिए माता जी, हालांकि अभी बात की, अभी भी थोड़ा भावुकपन इनके अंदर नजर आया और अपने गुरु को याद करते थे। बताया कि जिस तरह से गुरु की याद आती थी तो भावुक हो जाते थे, लेकिन आज सुबह उठते ही जो खुशी इनको सुनाई दी, खुशी इनको मिली कि हमारे गुरु बाहर आ रहे हैं, उसका ही आज अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। प्रसाद तैयार किया जा रहा है, जागो निकाली जा रही है और रात के दिन है जो कि रात को हर घर में है, दिए जलाकर ये खुशी मनाएंगे। तो आपको जिस तरह से आज दिखाया कि डेरा सच्चा सौदा की जो साथ संगत है किस तरह से अपनी खुशी जाहिर कर रही है, तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में जरूर बताएं। कैमरामैन गुरसाहब के साथ मैं निशा खन्ना, धन्यवाद।